नमस्कार दोस्तों, आज फिर से पायल जोन आप लोगों के सामने आ चुकी है, ट्रिगर्ड इंसान का पर्दाफाश। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पायल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ सौरभ जोशी के बारे में। जी हाँ, वही सौरभ जोशी जिनके यूट्यूब पर दो चैनल है, एक चैनल नमस्कार दोस्तों अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जो कि आशीष चंचलानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फिर आ गया मैं एक नया वीडियो लेके, और ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, बिकॉज ये वीडियो मैं कहीं बाहर नहीं, घर में बनाने वाला हूँ। तो अगर घर में बना रहा हूँ तो समझ सकते हो आप लोग कैसा वीडियो होगा ये, कि ये वीडियो कुछ अलग ही होने वाला। बस देखो, इस वीडियो को एंजॉय करो। ये वीडियो देखने में मेरे को थोड़ा गुस्सा भी आया था कि जिसके करोड़ों करोड़ों फैन हैं उसको एक्सपोज किया जा रहा। भाई कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, जिसके 1 आवर में 1 मिलियन व्यूज आता भाई, उसको एक्सपोज किया जा रहा, समझ गए? और जो एक्सपोज कर रहा है उससे आज हम लोग थोड़ा अच्छा से बताते हैं क्या होता है भाई लोग। हम लोग इसलिए ये वीडियो बना रहे थे, देखो इस वीडियो को प्यार दो, जैसे क्या करते बाहर वीडियो नहीं घर में हो रहा है, तो आप समझ पा रहे हो क्या होता है। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते रहो सारा वीडियो, एंड तक लास्ट तक वीडियो देखना क्या है क्या नहीं। और सबसे पहला बात भाई लोग, आपका भाई इंस्टा पे भी बहुत एक्टिव रह रहा है, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम को देख लो, यहाँ पे आ रहा होगा आप लोगों के सामने इंस्टाग्राम का हेड है, और प्लीज़ जाके इंस्टाग्राम चेक कर लो भाई का, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आप लोगों को बहुत चीज़ देखने में मिलेगा। इंस्टाग्राम पे बहुत चीज हो रहा है और थोड़ा गिव अवे भी हो रहा है अभी, इंस्टाग्राम पे जाओ देखो, वो सब आपको वहीं भी पता चलेगा भाई। क्योंकि दोस्तों देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक ही टॉपिक बचा है ट्रिगर्ड इंसान, मेरे पास दूसरे भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनके बारे में बोल सकती हूँ, लेकिन एक्चुअली हो ये रहा है कि ट्रिगर्ड इंसान लगातार कुछ ना कुछ इस तरीके की हरकतें कर दे रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें वो बार बार कर दे रहे हैं कि मुझे उनके बारे में बोलना पड़ रहा है। हो सकता है वो जानबूझ के इस तरीके की चीज़ें कर रहे हों, कि वो शायद मेरा अटेंशन चाहते हैं, इसलिए वो इस तरीके का काम कर रहे हैं ताकि मैं उनके ऊपर बार बार वीडियो बनाऊँ और उनके चैनल ग्रो हो सके। ऐसा भी हो सकता है, ये भी उनकी एक साजिश हो सकती है। भाई लोग, आप लोग तो ये क्लिप देखे ही होंगे जो अभी चल रहा था आप लोग स्क्रीन पे, तो ये देख के मेरे को तो हंसी ही आ रहा था। ये पायल जोन जो बंदी है वो बोल रही है कि क्रिकेट इंसान इसको अटेंशन दे रहा है, और क्रिकेट इंसान इसके इसको जान उसका जवाब दे रहा है कि इसको उसका चैनल ग्रो करना। भाई कैसे क्रिकेट इंसान, भाई कैसे इसको कैसे बोल सकता भाई कि मेरे को मेरा चैनल ग्रो करना है? उसका चैनल ऑलरेडी ग्रो है भाई, उसका सब्सक्राइबर ऑलरेडी इतना है कि इसको बहुत टाइम लगेगा उतना ऊपर पहुंचने में। और ये बंदी तो मैं सिंपल बता रहा हूँ भाई, ये बस व्यू के लिए करती है, पैसा के लिए करती है, और किसी चीज़ के लिए वीडियो नहीं बनाती। आप लोग इसका आईडी चेक करो, जाओ देखो, और आगे भी देखो क्या होता है भाई लोग, अभी तो और वीडियो बाकी है। लेकिन पूरे यूट्यूब पर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा टैलेंटेड मैं ही हूँ, और सबसे ज़्यादा हिम्मत भी मेरे ही अंदर है कि मैं इस तरीके की वीडियोस बना रही हूँ और एक एक करके इन सभी यूट्यूबर्स का पर्दाफाश कर पा रही हूँ, क्योंकि और किसी में इतना दम नहीं है यार, सीरियसली। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है, नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, मेरी बात बोलिए कि इसमें बहुत ज्यादा टैलेंट। हाँ दीदी, आप में तो टैलेंट है ही है गाली सुनने का। देखो भाई, गाली देखो, ये देख लो गाली आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये गाली सुनने का ही टैलेंट है दीदी में, और किसी चीज का टैलेंट नहीं है। आप देखते चलो ये दीदी का वीडियो, अभी बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। चलो कंटिन्यू करते वीडियो को, अभी और बहुत सारा चीज है आपको इस वीडियो में आपको बताना है कि पायल जोन क्या है क्या नहीं है, तो प्लीज वीडियो को देखते रहो भाई और लास्ट तक वीडियो देखने वाला, और यही बोलूंगा और कुछ नहीं करते हैं। लेकिन वही है कि टैलेंट है तो है भाई, उसको छुपाऊं कैसे, है ना? टैलेंट है तो दिखेगा, मेरा टैलेंट है वो कि मैं सबके बारे में इस तरीके से यू नो सबूत और गवाह के साथ बात करती हूँ, तो वो तो मेरा टैलेंट रहेगा ही, तो उसको मैं छुपाऊं? दीदी आप जैसे बात कर रही कि आप एकदम सबूतों के साथ दिखा रही है कि आप में ये टैलेंट है, दीदी हम भी सबूत के साथ दिखा रहे हैं अपने व्यूअर्स को, अपने सभी कोई को, कि देखो भाई दीदी में बहुत टैलेंट है, अभी एकदम भरा हुआ सबूत है भाई मेरे पास। देखो गाली का स्क्रीनशॉट देखो दीदी, पूरा स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप भी ये वीडियो को देख रही हो ना, तो अच्छे से देखो, अभी मैं आपको कैसे खुलासा करता हूँ सबके सामने। दीदी तो बने रहो वीडियो के संग, दीदी आप स्पेशली बने रहो प्लीज यार। बनाई थी ट्रिगर्ड इंसान के ऊपर ही वो वीडियो थी, बस कल का लौंडा को मैंने थोड़ी सी जगह दे दी थी अपनी वीडियो में कि चलो कोई बात नहीं, इसने मेरे ऊपर वीडियो बनाई तो थोड़ा सा अटेंशन मैं उसको दे देती हूँ, उस तरीके से मैंने उसको अटेंशन दे दिया था। कुछ भी दीदी, आपको लगता है कि कल का लौंडो को आपका दरकार पड़ेगा अटेंशन मारने के लिए? दीदी कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो, कल का लौंडा इज
ट्रिगर्ड इंसान दीदी ने ट्रिगर्ड इंसान को कल का लौंडा बताया और वो बोल रही कि सिंपथी दे रही थी इनके लिए वीडियो बना के। भाई साहब दीदी कुछ शर्म करो यार, मर जाओ आप चुल्लू भर पानी में डूब के, समझिए क्या, ऐसे पानी लो इसमें डूब के मर जाओ। और आपको कुछ नहीं करना होगा दीदी, सब कोई आपके व्यूअर्स यही चाहते हैं, व्यूअर्स नहीं हेटर्स ही समझ लो, हम लोग तो हेटर्स ही आपके, व्यूअर्स तो बन नहीं सकते दीदी। ये है कि आशीष चंचलानी जो कि एक बहुत अच्छे बड़े यूट्यूबर हैं, वो आशीष चंचलानी अब हमारे बीच में नहीं रहे दोस्तों, वो हमें आपको हम सभी लोगों को छोड़कर जा चुके हैं भगवान के पास। आशीष चंचलानी की मौत हो चुकी है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये जो क्लिप आप लोग देखे ना, इसमें जो बोर्ड पे लिखा है ना, ये देख के मन तो कर रहा है ना तो उठा कर फेंक दूं इस बंदी को, बिकॉज आशीष चंचलानी एक ऐसा क्रिएटर है ना जो उसे देखकर आधा वर्ल्ड का आधा इंसान लोग हंसता है भाई, अपना जितना भी दुख दर्दी रहता है दिन भर का ना वो रात को देख के बिता देता है, बिकॉज उनका वीडियो में इतना हंसी मजाक रहता है ना, कोई आदमी बिना वीडियो देखे बिना हंसे जा ही नहीं सकता भाई। आशीष चंचलानी ऐसा क्रिएटर और उनके बारे में ये ऐसे बता दिए, बताओ भाई वीडियो में सिंपथी व्यू पैसा कमाने के लिए ये बंदी ये कर रही है और कुछ नहीं। वाह भाई वाह, इसे तो मन करा होगा फेंक दूं, बट नहीं भाई कर सामने रहते रहता है नहीं कर सकता ना कुछ, कोई प्रॉब्लम है। फिर भी काफी सारी वीडियोस ऐसे YouTube पर आपको मिल जाएगी जहाँ पर आपको फेक वीडियोस बना के बताया जाता है कि पायल जोन मर गई, पायल जोन अब इस दुनिया में नहीं है, इस तरीके की वीडियोस मेरे लिए बना देते हैं लोग। अभी मैं जो है सिंपति लेता है वीडियो बनाता है कि पायल जोन मर गई, दीदी मैंने यूट्यूब पे सर्च किया दीदी कि पायल जोन मर गई, बिकॉज मेरे को भी देखना था ना कि पायल जोन मरी है कि नहीं, भाई ऐसा तो एक भी वीडियो नहीं आया कि पायल जोन मर गई, ऐसा एक भी वीदियो नहीं आया। और दीदी आप क्या ये कर रही हो यार, आपके ऊपर कोई वीडियो बना के कैसे व्यू कमाएगा चाहे कुछ भी, मैं तो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ना बिकॉज आपने ऐसे ऐसे बंदे को पॉइंट किया है ना रोस्ट करने के लिए, तो भाई मैं नहीं रह पाया, जो मेरे फेवरेट क्रिएटर है उसके लिए भाई मैं वो लोग का फैन हूँ और आपका हेटर्स, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं ओपन आपको बता रहा हूँ, आपको जो करना है कर लो, मेरे इतने हवा में थे कि ऊपर वीडियो बनाना बनाओ जिस मेरे को मतलब नहीं है, बिकॉज मैं आपके ऊपर वीडियो बना के रहूँगा और देखते चलो ये वीडियो कहाँ कहाँ जाता है भाई, बस किया कि भाई सौरभ जोशी का रोस्ट, तो मुझे पता चला कि पूरे YouTube पर सिर्फ दो बच्चों ने इनको रोस्ट किया है, सिर्फ और सिर्फ दो बच्चों ने जो है इनको रोस्ट किया है, अदरवाइज किसी ने इनको जो है पूरे YouTube पर रोस्ट नहीं किया। अब इनको समझाओ यार, रोस्ट उसको किया जाता है जो रोस्ट के लायक है, जैसे कि दीदी आप रोस्ट के लायक, सौरभ जोशी नहीं है जो सौरभ जोशी को कोई भी रोस्ट करेगा, समझे क्या, आप रोस्ट के लायक इसलिए आपको सबको रोस्ट कर रहा है यार, कल ही एक वीडियो आया था रोस्ट का, उसके बाद भी आज भी तो वीडियो आएगा ही, तो देखते रहो दीदी आप कौन कौन रोस्ट करता, बहुत जान रोस्ट करेगा अभी। यार दो बच्चों ने रोस्ट कर दिया, कैसे कर दिया, ओ माय गॉड, तो क्या हो गया यार, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को भी रोस्ट किया जा सकता है, ऐसा पूरे YouTube पर कोई बंदा या बंदी नहीं है जिसको हम लोग रोस्ट नहीं कर सकते सबके, इसलिए आपको भी रोस्ट किया जा रहा है, देखो आप इतना मजा आ रहा होगा वीडियो देख के आपको, अगर आप देख रही होगी तो आप तो नहीं देखोगे वीडियो, मेरे को पता आपके तक जाएगा कि नहीं, YouTube आपके तक पहुंचाएगा कि नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि YouTube आपके तक ये वीडियो पहुंचे कि आप ये वीडियो देखो कि आपको कैसे कैसे बंदे लोग रोस्ट कर रहे हैं और कितना मजा आ रहा है रोस्ट करने के बाद। ओ आया देख क्या मेहनत है यार, कैमरा पकड़ के इधर उधर करो, थोड़ी बहुत एडिटिंग करो, वीडियो अपलोड कर दो, इतने ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं। हाँ जो लोग ट्रैवलिंग ब्लॉग करते हैं कहीं कहीं घूम के दिखाते हैं उनको भी मेरे हिसाब से मेहनत लगती होगी, कहीं कहीं जाना होता होगा, लेकिन वही है कि इनके हिसाब मेरे हिसाब से इनकी वीडियोज में कुछ ऐसा होता नहीं है कि इनको थोड़े एफर्ट्स डालने पड़े या मेहनत करनी पड़े, ये सिर्फ ऐसे का ऐसा ही जो है वीडियो बना के डाल देते हैं जो इनके घर में हो रहा है, जो भी चीज़ हो रही है बहुत अच्छी बात है, लाइफ स्टाइल है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें अलग होनी चाहिए, थोड़े बहुत और एफर्ट्स होने चाहिए वीडियोज के अंदर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो दीदी बात कर रही थी इस वीडियो में जो आपने क्लिप देखा होगा, इसमें दीदी बात कर रही थी कि सौरभ जोशी मेहनत नहीं करते हैं, वो आसान है कैमरा लेके खड़े रहना, ब्लॉगिंग करना, उनके भाई कभी कभी ब्लॉगिंग करते हैं, उनके मम्मी से ब्लॉगिंग करवा लो, ऐसे ऐसे दीदी बता रही थी, बट वो चीज़ मैंने ऐड नहीं किया, बट ये दीदी इस क्लिप में ये बोल रही थी कि ब्लॉगिंग करना बहुत आसान है, दीदी एक दिन का ब्लॉगिंग करके देखो पता चलेगा ब्लॉगिंग करना क्या है, सुबह से लेकर रात तक ब्लॉग करो, क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो, और उसको एडिट करो रात को बैठ के और पोस्ट करो, तब पता चलेगा ब्लॉगिंग करना क्या होता है, कितना आसान है कितना हार्ड है, उस टाइम पर चलेगा, अभी नहीं आपको पता चलेगा। अपने आके कैमरा के सामने आके अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं फ्लाइंग बीस्ट को लेके, जो कि बहुत ज्यादा मेरे को कहीं ना कहीं लगती है कि इनमें हिम्मत बहुत है ना, तो एक हिम्मत वाली बात होती है कि एटलीस्ट आप कैमरे के सामने आके अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख पा रहे हैं। बोले थे कि आप में बहुत सारा हिम्मत है, स्टार्टिंग में वीडियो देखे होंगे
दीदी आप बोल रहे थे बहुत सारा हिम्मत है आप में, और आप कैसे हिम्मत है यार आप में, आपने बोर्ड पे लिखा, देखो पीछे में बोर्ड पे लिखा था एक्सपोजिंग फ्लाइंग बिस्ट, और इधर आप वीडियो के अंदर बता रही हो कि एक बंदा है जो फ्लाइंग बिस्ट के ऊपर सिर्फ रोस्ट करता है, वो सिर्फ अपना चैनल फ्लाइंग बिस्ट के ऊपर बना कर रखा है। ऐसे कैसे दीदी, ऐसे कैसे चलेगा यार, ऐसे तो नहीं चलेगा दीदी, आप में इतना हिम्मत है यार, आप में टैलेंट है, आप रोस्ट करो ना फ्लाइंग बिस्ट को यार, ऐसे कैसे आप भी वीडियो बना दे रहे हो यार, अच्छा मजा नहीं आता दीदी आप वीडियो देखो। वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आप लोग देखे होंगे वीडियो में आपको मजा आया ही होगा, कैसे पायल जोन के बारे में मैंने बताया कि पायल जोन क्या क्या करती है उसके ऊपर वीडियो बनाई है, रोज टाइम मत समझो कि ये रोज वीडियो, बट पायल जोन जो करती है उसके ऊपर ये वीडियो बनाया था, और देखे होंगे, और नेक्स्ट वीडियो भाई लोग बहुत जल्द आने वाला है आप लोग के बीच, ये वीडियो तो आई थिंक आज अपलोड हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला, तो बने रहो भाई बीबी ब्लॉग के संग, और ऐसे ही वीडियो देखते रहो, प्यार देते रहो भाई को, बस प्यार चाहिए भाई आप लोग का और कुछ नहीं चाहिए, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, बाय बाय, लव यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, ओके चलो बाय।